लोक सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित समस्याओं के निदान को लेकर के अभ्यर्थियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को एक मांग पत्र सौंपा गया है। मांग पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों की तरफ से राज्य में 6 वर्ष के बाद आयोजित हो रही उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2021 के बारे में बताया गया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अभ्यर्थियों की मांगों पर आवश्यक कार्यवाही करवाए जाने के लिए आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 9 नवंबर को राज्य की स्थापना दिवस है, जिसको लेकर के पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि आगामी 4 तारीख को इगाश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के प्रवासी उत्तराखंडियों की सूची तैयार की जा रही है, जो अपने गाँव आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। उधम सिंह नगर के एक युवक ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा कुछ किया है जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। युवक स्कूटी लेने के लिए पहले में 10 के 56,000 के सिक्के लेकर के शोरूम में पहुंचा है। सिक्कों को देख करके शोरूम के कर्मचारी हैरान हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। शोरूम कंपनी के संचालक ने भी युवक को नाराज नहीं किया, उन्होंने 10-10 के सिक्के लेकर के युवक को स्कूटी दे दी।